हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ललित कुमार, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। बिल्कुल ठीक देखा आप लोगों ने थंबनेल में। आज हम डिस्कस करेंगे कामिंग डाउन स्ट्रेटजीज फॉर ऑटिस्टिक चाइल्ड एंड एडीएचडी चाइल्ड। अभी हमने आपने पिछली वीडियोस में देखा है कि ऑटिज्म में बच्चों को कैसे हाइपर एक्टिविटी होती है या फिर क्या क्या उन्हें अदर सेंसरी इशूज़ होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ऐसी स्ट्रेटजीज जिन्हें हम घर में अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमारा बच्चा काम रहे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम घर में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ एक्टिविटीज शेयर करूँगा जिसमें से कुछ आपको समझ आएंगी अभी और कुछ के लिए आपको कुछ वीडियो क्लिप्स देखने पड़ेंगे। तो जो चीज़ आपको ना समझ आए उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में करना या फिर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो मैं आपको उसको थोरॉली समझाने की कोशिश करूँगा या फिर अदर वीडियो क्लिप्स से समझाने की कोशिश करूँगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कामिंग डाउन स्ट्रेटजीज फॉर ऑटिस्टिक किड्स। तो सबसे पहले हम कुछ हैवी वर्क एक्टिविटीज़ लेते हैं बच्चों के साथ। हैवी वर्क एक्टिविटीज़ हम बच्चों के साथ ले सकते हैं, पुल द थेरा बैंड एक्टिविटी हम ले सकते हैं, पुल द स्ट्रेच बैंड एक्टिविटीज़ हम ले सकते हैं बच्चों के साथ। हम बच्चों को कह सकते हैं कि थेरा बैंड पुल करो, स्ट्रेच बैंड पुल करो। वी कैन आस्क देम टू परफॉर्म अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस, जैसे कि हमने उनके बॉडी पर एक थेरा बैंड रैप कर दिया उनके वेस्ट के पास से। अब हम उन्हें कहें कि उन्होंने हमको टास्क दिया कि ये सामान यहाँ से वहाँ तुम पुट करो, तो वो उस चीज़ को अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस कर रहे हैं। इस टाइप के उनसे हैवी एक्टिविटीज़ उनसे ले सकते हैं बच्चों के साथ। विद दिस हम बच्चों से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हैवी ऑब्जेक्ट्स लाइक बुक्स या फिर थोड़ा सा हैवी जो वो कैरी कर सकते हैं वो उन ऑब्जेक्ट्स को लेके यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करें। हम ऐसी एक्टिविटीज़ हम बच्चों को करवा सकते हैं। हम बच्चों को एनिमल वॉक्स करा सकते हैं। बहुत सारे एनिमल वॉक्स होते हैं जैसे फ्रॉग जंप्स, वेबर वॉक, क्रैब वॉक, वॉम वॉक, अर्थवॉम वॉक, तो इस तरीके से काफ़ी होते हैं, स्नैक क्रीपिंग। हम उस बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें करा सकते हैं। इसके अलावा हम बच्चों को बॉल एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। बॉल एक्टिविटीज़ में हम जो जिम बॉल होती है, थेरेपी बॉल होती है, उस पर हम बच्चों को बिठा के बाउंसिंग करा सकते हैं। उस पर हम बच्चों को प्रोन में सुपाइन में लिटा के बाउंसिंग करवा सकते हैं। हम बच्चों को उस पर लिटा के कोई एक्टिविटी कोई टारगेट करने के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पर लेट के आप बच्चों को थोड़ा सा बाउंस करेंगे, बच्चा आगे किस चीज़ को टारगेट करेगा, जैसे कि कोई चीज़ उसने हिट करनी है या फिर आपने बच्चों को कुछ नीचे कुछ मटेरियल दे दिया, कुछ अल्फ़ाबेट्स दे दिए, कुछ नंबर्स दे दिए, आपने बच्चों को बोला कि ये मुझे पिक करके दो। इस तरह के हम एक्टिविटी ले सकते हैं। अब बोल वाली एक्टिविटी में यहाँ पर कोई एक्चुअल में कोई इतना हैवी वर्क नहीं है, बट वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उसका प्रॉपर रिसेप्टिव रिसेप्टर्स वर्क करते हैं। वहाँ पर जो मैंने आपको एक्टिविटी बताया कि हमने उसे टास्क दिया, वहाँ पर टास्क में उसका अटेंशन और फोकस डेवलप होता है। तो इस तरीके से हम बच्चों के साथ ये कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हम बच्चों के साथ सेंसरी एक्टिविटीज़ प्ले कर सकते हैं, जैसे काइनेटिक्स हैंड प्ले कर सकते हैं, वाटर प्ले कर सकते हैं। काइनेटिक्स हैंड वाटर पर हम बहुत सारी तरह की चीज़ें बच्चों के साथ खेल सकते हैं। और उसके अलावा बच्चों के साथ ABC सेंसरी किट यूज़ कर सकते हैं। ABC सेंसरी किट कोई ऐसे बहुत बड़ा ब्रॉड चीज़ नहीं है, इट्स सिंपल कि आपने बच्चों के साथ एक फ़न प्ले करना है थ्रू द रीडिंग मैथड्स। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप बच्चों को अल्फ़ाबेट्स दे सकते हैं, जैसे कि जो है वुडन बॉक्स में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमने बच्चों के लिए राइस या बीन्स में राजमा इस तरीके से किसी पल्सेस में मिक्स कर दिया। हम बच्चों को टारगेट दे रहे हैं कि आप मुझे ये पिक करके दो, हमने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिए, कमांड दिए, बच्चों ने उसे फॉलो करके हमने उसका रिजल्ट दिया। इसके अलावा बच्चों के साथ हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं। हम बच्चों को सिखाएं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और हम उनसे एक्सपेक्ट करें, हम उनसे कमांड दें उन्हें कि आपको इस तरीके से ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग से बच्चा बहुत रिलैक्स होता है, बहुत काम होता है। इसके अलावा हम कुछ पैसिव एक्टिविटीज़ में हम बच्चों के साथ उन्हें हम डीप प्रेशर दे सकते हैं। वी कैन आस्क देम टू टेक डीप प्रेशर थेरेपी बॉल से हम उसको डीप प्रेशर दे सकते हैं, तो हम उन्हें डीप प्रेशर दें। उसके अलावा आप बच्चों को जॉइंट कंप्रेशन दे सकते हैं, रिमेडियल मसाज दे सकते हैं। जॉइंट कंप्रेशन आप लोगों को आता होगा, अगर नहीं भी आता होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जॉइंट कंप्रेशन के लिए, या फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में शेयर करूँगा आपके साथ। इसके बाद आप बच्चों के साथ टास्क प्ले कर सकते हैं। टास्क प्ले किस तरीके से कि हम बच्चों को बॉल टारगेट्स करवा सकते हैं, जैसे बच्चों का बॉल के साथ दे सकते हो, थेरेपी बॉल पर हमने बच्चों को बिठाया, आप बाउंसिंग के साथ आप सामने बच्चों को बकेट दे सकते हो कि बकेट में बॉल को टारगेट कर रहा है। हम इस तरीके से बच्चों से बॉल टारगेट्स ले सकते हैं। बॉल टारगेट्स के अलावा हम बच्चों को रोप लैडर क्लाइंबिंग करा सकते हैं। वहाँ पर हम बच्चे से टारगेट जंप लेंगे, बच्चे ने क्लाइंब किया रोप लैडर पर, उसके बाद वहाँ पर वो हैंग हो गया थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हमने बच्चों के कॉन्सेप्ट या काउंटिंग का कि आपको 5 पर या आपको 3 पर आपको जंप करना है, सर्कल में आपको जंप करना है, आप नीचे हुला हुप रख सकते हो, सर्कल ड्रॉ कर सकते हो कि आपको इसमें जंप करना है। हम बच्चों के साथ कैच एंड थ्रो खेल सकते हैं। कैच एंड थ्रो में
थोड़ा सा डिफरेंट कैचन थ्रो हम उसके साथ में प्ले कर सकते हैं बच्चों के साथ। दो बॉल्स रहेंगे और दो लोग रहेंगे, यानी कि एक पेरेंट बच्चे के साथ रहेगा और एक बच्चा इन्वॉल्व होगा। बच्चा और मदर, बच्चा और फादर खेल सकते हैं दो बॉल्स के साथ, एक बॉल बच्चे के पास और एक बॉल पेरेंट के पास है। अब वो एक बॉल कैच करो और एक बॉल थ्रो करा, इस तरीके से हम बच्चे के साथ बायलैटरल इंटीग्रेशन के लिए हम गेम खेल सकते हैं, जिससे बच्चे का अटेंशन और फोकस बहुत अच्छा डेवलप होगा। और हमेशा ही एक चीज़ याद रखना, जैसे जैसे हम बच्चे का अटेंशन और फोकस डेवलप करते हैं, वैसे वैसे हम बच्चों में देखते हैं बच्चा काम होने लगता है, क्योंकि बच्चों को चीज़ें मिल जाती हैं करने के लिए, तो बच्चा काम होने लगता है। इसके अलावा हम बच्चों के लिए काम डाउन कॉर्नर प्रिपेयर कर सकते हैं, एक लेज़र टाइम के लिए वो कॉर्नर प्रिपेयर कर सकते हैं। एक छोटा सा हम बच्चों को स्पेस देना है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा स्पेस रखने के लिए ज़रूरत भी नहीं है, आपको छोटा सा बच्चों के लिए स्पेस रखना है, यहाँ पर उनके लिए नीडफुल एक्टिविटीज़ रहेंगे। सबसे पहले तो वो काम डाउन जो कॉर्नर आपने बनाया उसको बच्चे का लेज़र टाइम पे देना, हमने एक टाइम फिक्स करना है बच्चों के लिए कि इस टाइम पर आप वहाँ पर जाओगे और वहाँ पर उनको कुछ ज़रूरी चीज़ें देने, जैसे कि उन्हें आप बीम बैग दो जिस पर वो जंप कर सकें, क्रैश पैड पर वो क्रैश कर सकें, वहाँ पर बच्चों को पंचिंग बैग दे सकते हो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है, ताकि उन्हें एग्रेशन रिलीज आउट कर सकें वहाँ पर। वहाँ पर बच्चों को फिजिटिंग टॉयज दे सकते हो। इसके अलावा वहाँ पर बच्चा जो भी करना चाहे, वेदर ही बाउंस सेंग या बैठना चाहता है, कुछ अकेले थोड़ी देर रहना चाहता है, तो उसको वो टाइम देना चाहिए आपको। लेज़र टाइम बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हम घर पर बच्चों से परफॉर्म कर सकते हैं बच्चों को काम करने के लिए। आई होप कि आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी होंगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज़ें, और आप बच्चा बहुत अच्छे से घर पर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, आप नीचे कमेंट पे भी लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए सबके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।